बहुत सुंदर लग रहे हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारे कॉलेज में एक छोटू सा फंक्शन। अभी हम जा रहे हैं ऊपर और हमें बोला है नोटबुक और पेन लेके जाना है। आज आ रहा है हमारे कॉलेज में कोई गेस्ट आ रहे हैं और आज पता नहीं क्या होने वाला है। जो भी होगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। यहाँ पे चल रही है तैयारी है। हेलो हेलो, हाँ जी जरूर। जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में भी एकता है, जहाँ अनेकता में भी एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत देश हमारा है। रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जब भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, तब 28 सितंबर 1907 को वीर क्रांतिकारी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखा गया। वह बालक अपने वक्त में कुछ ऐसा कम गुजरा जिसके कारण आज की पीढ़ी मैं भगत सिंह अपनी भारत माता को इन अंग्रेजों से आजाद कराने आया हूँ। कौन है ये अंग्रेज? ये क्यों आए हैं हमारे देश में? इन्होंने मेरे दादाजी और चाचाजी को पीटा। क्यों पीटा? उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो सिर्फ अपने देश को इन अंग्रेजों से आजाद कराना चाहा, पर फिर भी उन्होंने मेरे दादाजी और चाचाजी को पीटा। हम तो लेंगे उनके देश, हमने तो नहीं बुलाया उन्हें अपने देश, पर फिर भी वो हम पे जुल्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जोंदे रे पुत्र, ते जाके के वीर जी, इन अंग्रेजों ने तो नाक में दम करके रखा है। वो जिद्दिया, तूने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया। अब तो बात घास से निकल चुकी है, अब तो बापू ही कुछ करेंगे। चलता वीर जी, मैं चलता हूँ, इससे पहले कि अंग्रेज अधिकारी मैं तू फट जाए। ठीक है जिद्दिया, ख्याल रखिए अपना। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। अंग्रेज के जुल्म भारतवासियों पर बढ़ते चले गए। वे नन्हा बालक भी अपने मन में उमड़ते सवालों वे दुखों के साथ युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है।
सुखदेव अब आगे क्या करना है? यारों अब वक्त आ गया है भारत की जनता को जागरूक करने का, भारत में क्रांति लाने का। लो ये बच्चे जल जल में मार दो। आप लोगों ने सुना क्या? आज एक लड़के ने अंग्रेजों से टक्कर ली। अच्छा, और उन्हें भगा भगा कर मार रहा था। कहां? चलो मैं दिखाता हूँ। चलो यारो देखते हो जवान को। मेरी सलवान। बड़े साहब ये लो मेरा लगान। साहब जी ये लीजिए मेरा लगान। You idiots keep it here। बड़े साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लगान नहीं दे सकता। We don't care, you have to pay। साहब रहम करे, साहब रहम करे। चाचा तुम ये क्या कर रहे हो? ये पगड़ी हमारी आन बान और शान है, जिसे तुम इन अंग्रेजों के कदमों में रख रहे हो। तुम कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से तुम्हें अपनी ही नजरों में शर्मिंदा होना पड़े। हाँ चाचा, भगत सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे होते हुए आपको अपनी इज्जत इन गोरे चमड़ी वाले लोगों के पैरों में नहीं रखनी है। अब इन अंग्रेजों की खैर नहीं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह सुना है पंडित जी के साथ क्या हुआ है? हाँ, उनके बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगत सिंह कौन है? भगत सिंह कौन है? क्यों भाई क्या काम है? मुझे पंडित जी ने भेजा है ये चिट्ठी लेकर। अच्छा ये चिट्ठी मेरे को दे दे। नहीं नहीं ये चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को ही दूंगा। अच्छा बढ़िया, मेरे पार्टी का गुप्त शब्द होता। पार्टी का गुप्त शब्द हेट गोचू चाली चोरी जैसा। मैं हूं भगत सिंह। अच्छा आप हैं भगत सिंह, बहुत तारीफ सुनिए पंडित जी से आपकी, उन्होंने ये चिट्ठी दी है आपको, मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए। भाई अब नाम तो बता। मेरा नाम राजगुरु है। अच्छा एक बात तो बता, देश में और भी पार्टियां हैं, उनमें क्यों नहीं जुड़ जाता? हमारी पार्टी में क्यों जुड़ना चाहता है? मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं अपनी भारत माँ को आजाद देखना चाहता हूँ और उनके पैरों में जो जंजीरें पड़ी हैं उन्हें काट देना चाहता हूँ, जो केवल आप जैसे महान व्यक्तित्व की सहायता से ही संभव है। देख रहा हूँ जवानी का खून जोश में है, जोश अभी जुनून की शक्ल ले चुका है। जब पुलिस के चारों बंटे पड़ेंगे ना, सारी अकड़ और जुनून निकल जाएगा तेरा। ये सब आपके ख्याल है। तुम उस राह पर चलने की बात कर रहे हो जिस राह पर कांटों के सिवा कुछ नहीं है। मैं भारत माँ की कसम खाता हूँ कि वो दिन कभी नहीं आने दूंगा जब गद्दारी का कलंक अपने माथे पर लगाऊंगा। मार देंगे या मर जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे। सर्वराशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भगत सिंह का जुनून तब और भी बढ़ गया जब साइमन पेखरेली ने अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज करने पर लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस बात का रोष लेकर उन्होंने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। भगत सिंह अब तो हमने बम बनाना भी सीख लिया है, अब तो अंग्रेजों की खैर नहीं। सुखदेव हमारा मकसद खून खराबा करना नहीं बल्कि लहरों के लिए आजादी की गूंज है। यह कैसे संभव है? हम अंग्रेजों की असेंबली में बम गिराकर अपने आप को गिरफ्तार कराएंगे, उसके बाद हम अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सके। हाँ यह बहुत बड़ी क्रांति होगी, देश की जनता को जगाने का वक्त अब आ चुका है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
हाजिर हो। योर ऑनर मे आई प्रोसीड द केस। प्रोसीड। योर ऑनर इंकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर इंकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब इंकलाब व्हाट आई लीव इंकलाब। क्या तुम्हें पता भी है इंकलाब क्या होता है? इंकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इंकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी के ऊपर हो रहे शोषण को रोकने के लिए। इंकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर स्टॉप दिस नॉनसेंस। दे हैव स्पॉइल्ड आवर असेंबली। दे हैव ब्रोकन द लॉ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 121 एंड एक्ट 302। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव will be hanged till death and court is dismissed. Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! उस माँ का हृदय उस समय दहल गया जब उसने ये खबर सुनी कि उसके लाल को जीते जी मृत्यु के मुंह में धकेला जा रहा है। माँ भारत माँ की आजादी के लिए उनके वीर जवानों को जगाने के लिए तेरे बेटे की कुर्बानी देना जरूरी था माँ। ऐसा करने तो पहले तभी मेरा जरा ख्याल नहीं आया। आपका ख्याल नहीं आया था माँ, फिर आपको भारत माँ के रूप में देखा सोचा कि कोई आपका आंचल गंदा ना कर दे। शाबाश मेरा पुत्र, आज तू मेरा सर गंदा ऊंचा कर देता, पर एक कुर्बानी तू क्यों देती? अब किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। आज एक भगत सिंह शहीद होगा, कल को 100 भगत सिंह पैदा होंगे। चंगा माँ मैं चलता हूँ। मैं तेरी लंबी उम्र दी तो दुआ नहीं दे सकती, पर वाहेगुरु थोड़ा पला करे, वाहेगुरु थोड़ा पला करे। भारत के इतिहास का काला दिन आखिरकार 23 मार्च 1931 को आ गया जब भारत के तीन नौजवान भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी के तख्त पर लटका दिया गया जिसे तीनों ने हंसते हंसते गले लगा लिया।
जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोस्तों देखो सामने क्विज चल रहा है और यहाँ से सारे बच्चे भाग चुके हैं। सब भाग चुके हैं यहाँ से। अब धीरे धीरे ये लोग भी भागेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी सी ब्रेक लेके नीचे जा रहे हैं। ये देखो ये बच्चे भाग रहे हैं। वो देखिए हमारे एक टीचर, हमारे मैम इतनी लंबी सैर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए फोन पर बात करते करते। ये देखिए सभी कोई ना कोई कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। ऊपर क्विज चल रहा है, अभी पता नहीं गेम्स होंगी। अभी हम जा रहे हैं कैंटीन चाय पीने। यहाँ पे चल रही है अभी गेम्स और वो जा रहे हैं बॉयज़ की टीम, वहाँ खेलेंगे बॉयज़ और इधर गर्ल्स। अच्छा मैं नंबर देने लगा हूँ आपको, ठीक है? थोड़े खुले हो जो आपस में। Oh,
30 सेकंड मिलेंगे, सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे दोनों टीमों को, तो खींचना है। ये मुझे छोटे लग रहे हैं सर, मैं जाती हूँ उनके साथ। नहीं नहीं नहीं, अगले में आएंगे ना, वो बीच में आएंगे। चलो मैं 1 2 3 करूँगा तो फिर खींचना है, ठीक है? ये ए टीम है ना। बच्चों को मॉरल वैल्यूज के बारे में बताना, अच्छी अच्छी बातें बताना, गीता क्या है, गीता से हमें क्या मिलता है, गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताना, और फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाना, विवेकानंद जी के बारे में बताना, भगत सिंह जी के बारे में बताना। तो ये सब इनका पर्पस है, बच्चों में जागरूकता, अवेयरनेस और नॉलेज देना। तो बस यही सब चल रहा है, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। नुवार के बदले कर्म रखिया जिंदगी नुवार के। कौन सी बंदा बरागी गोविंद सिंह का चेला लागे जिन्हें उसका बदला लिया थी। दशमें पिता ने दसिया सरवंश वार के। दशमें पिता ने दसिया सरवंश वार के। मैं पिता कौन सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने जयंती हैगी 29 दिसंबर 25-26 दिसंबर उन्होंने साहबजादे नीच चलाए थे। और तुमने भी बहुत अच्छा खेला, हमने पहला पोल। जय हो।